नमस्ते सबै जनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो संगीता किचनमा तो आज हम आप लोगों को एक अचार का रेसिपी दिखाने वाला है नेपाली स्टाइल में हम लोग एक ऐसे बॉटल में ऐसे प्रिजर्व करके अचार बना के रखते हैं और मूली का अचार हम बना रहे हैं मूली का अचार हमने बड़ी आपको दिखाएंगे कि अचार कैसे बनाना है तो आप मूली आप लोग सीखिए हम लोग कैसे वो अचार बना के प्रिजर्व करके रखते हैं और ठंडा महीना और जो टाइम में सब्जी के बहुत दुख होता है सब्जी नहीं होता है तो हम वो अचार वचार निकल के ऐसे खाते और वो अचार बहुत अच्छा होता है तो आज हम लोग आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करेंगे। देखिए गाइस ये है हमारे मूली, इसके अच्छे तरह से धोना पड़ेगा ना। ये साग नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको हम कट कर कैसे कट करना है हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये हमने बाजार से खरीद के लिया है, लेकिन इधर में भी मिलता है लेकिन अब नहीं होता है। आप इसका सीजन है, ये सीजन के टाइम में इसका अचार खाने में बहुत मजा आता है गाइस। तो बड़ी ने एक वो जो डल्ले खोर्सानी होता है उसका भी उसको भी अच्छे से पिकल बना के डाला है तो बड़ी वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ एक दो दिन में शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने बनाया है, देखिए ऐसा होता है। इसके रेसिपी हम देखेंगे आप लोग को, आपका ये धूप में अब हम रखेंगे। ये सिर्फ 3 दिन हो गया इसका मैंने बना के, बहुत अच्छा खुशबू है इसका, आप भी खुशबू ले सकते हैं। तो इसका मुंडी सब काट देंगे, इस तरह से इसको और अच्छे से धोना पड़ेगा। ये मुंडी का सब्जी खाएंगे तो बहुत अच्छा होता है, इसका गुंदरक भी डाल सकते हैं। हम देखिए गाइस असुने यहाँ मूला के छील के अच्छी तरह से धो रहा है। इसका ये जो बाल जैसा है इसको भी कट करना पड़ता सब है, सब कट करना पड़ता है ना, ऐसा करके धोना पड़ता है। आज का मौसम को भी जानकारी देंगे हम। आज हमारे गांव में बहुत धूप है, बहुत धूप खिला है। देखिए गाइस देखिए बहुत धूप है आज। ऊपर में हमारे दिग्विजय दा लाइट फिट कर रहे है। दिग्विजय दा हो रहा है, हो रहा है। अच्छी तरह से कर देना ठीक है। गाइस अभी इसको मैंने धो के अच्छे से लेके आई हूँ, अभी मैं इसको अच्छे से कट करूँगी। देखिए इसको ऐसे ऐसे करना है, इसका साइड का जो रूट होता है अच्छे से कट करके इसको धोना है। सो गाइस अभी मैं इसको कट करने वाली हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको कैसे कट करना है। तो इसको ऐसे कट करना है अभी, ये इसे लंबा लंबा कट करना है। इसको बड़ा बड़ा साइज में काटना पड़ेगा क्योंकि सूखने के टाइम में छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको बड़ा बड़ा काटेंगे। तो गाइस देखिए ये हो गया रेडी कट करके, अब हम इसको फिजा के धूप में सुखाएंगे। तो हम इसे लेके जा रहे हैं छत पे, इसको यहाँ फैला के रख देंगे सुखाने के लिए। तो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, तो कल हमने वो मूली काट के सुखाया था तो वो सूख के रेडी हो चुका है, तो आज हम आपको वो अचार बना के दिखाएंगे। तो हमारे साथ आज है मेगा बहनी, हाय मेगा, बहुत सुंदर लग रही है आज, और इधर है मम्मी जी, फिर एक बार नमस्ते सब जाना। देखिए ये मूली सूख के ऐसा हो गया है, हमने कितना इसका फूल काट के सुखाया था, अभी सूख के ऐसा हो गया है। आप लोग इसको इतना ज़्यादा नहीं सुखाना चाहते तो वो भी होगा, लेकिन हमने इसको ज़्यादा सुखाया है।
तो इसको हम ऐसे रख देंगे। अब इधर देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो क्या क्या चाहिए अचार में डालने के लिए? अचार में डालने के लिए ये सब भूनना पड़ेगा। ये है तोरी, ये है तिल, सेतो तिल है ना, ये है जीरा, गोटा जीरा, ये सब मिक्स करके भूनना पड़ेगा। भून के इसका वो बनाएंगे, डस्ट बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे ना। पाउडर बना के आपको दिखाएंगे कि क्या क्या करना है। मेघा भी सीख रही है अचार बनाने के लिए। ये तो ये है ना, इससे पेपर से खट्टा हो जाएगा वो मूली, दो तीन दिन के बाद खट्टा हो जाएगा। और तिल जिससे सेंट को लगे तिल, तिल तो अच्छा हो जाएगा। देखिए गाइस मेरा मिक्सी, इसको आप मिक्सी में करेंगे भी होगा, लेकिन बॉडी इसको हाथ से पीसेंगे आराम से, हैंडमेड। आज बहुत धूप खेल रहा है ना इसलिए। पांच फोरन इसको आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। ये डालने से फ्लेवर अच्छा होता है ना। इसमें हम पाँच फोरन, ये तेल गर्म हो चुका है ना, इसमें हम पाँच फोरन डाल देंगे। ये तेल में हम ये पाउडर सब डाल देंगे, डाल देंगे। लेकिन गैस ऑफ किया है हमने, गैस को ऑफ करके ये पाउडर को तेल में डाल दीजिए। इसको आप चला के इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डल्ले खोर्सानी, इसको इधर में हम नमक में भिगो के रखेंगे। ये चार पांच दिन धूप में रख के सब गए। ये है डल्ले खोर्सानी, अच्छी तरह से धूप में सुखा के ये रखा है मैंने। इसमें ये डल्ले खोर्सानी से भोलि से विंटर में मोमोसँग गुन्द्रुक र ढेँडो खाएको अचार डल्ले खोर्सानी, डम्फुको तालमा नाचेको झलझली देख्छु नि माइचाङलाई, सपना हो कि बिपना हो छुट्याउन मलाई गाह्रो भो भन्ने गीतमा चाहिँ गीत गाउँदै योसँग चाहिँ मोमो खानुपर्छ। अब नमक डाल्दै जो पानी होता है ना वो थोड़ा 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 पानी इसके नीचे तक जाएगा। खाने के लिए रेडी होता है इसका नाम, ये पानी नमक का पानी है ना, इसे पूरी तरह से ये भीग जाएगा। अभी ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें मूली डालेंगे। मूली इसमें डाल के हमको इसको अच्छे से मलना है, मिक्स करना है, मिक्स करना पड़ेगा, अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। आप लोग इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें वो ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं ना बड़ी। हाँ। ग्रीन चिलीज काट के थोड़ा सुखा के इसमें डाल सकते हैं। डाले खोर्सा भी, खोर्सानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत डालिए तो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। नमक मत डालना है ना, नमक खाने के बाद नहीं। ये चटनी हम लोग बोतल में प्रिजर्व करके रखते है, जब खाने का मन हो तब निकाल के खा सकते है।
और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, खाने के टाइम में थोड़ा निकालने के टाइम में नमक ऐड करके खा सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे। इसमें हम कच्चे तेल भी डाल सकते हैं, कच्चे मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ही डालना पड़ेगा, रिफाइंड तेल नहीं होगा। हाँ, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इसको तेल डाल के हम पीसा करके रखते हैं, और इसमें ये थोड़ा कम हो गया है, हम इसको बाद में और मूली ला के काट के सुखा के इसमें ऐड भी कर सकते हैं आप लोग। और डालना पड़ेगा मूली ना? और डाल के इसको फुल करेंगे हम, इसमें ऐड करके करके और मस्टर्ड ऑयल डाल के हम लोग इसको फुल बना देंगे। इतना तक आना चाहिए ना? और इसको हम लोग 15-20 डेज प्रिजर्व करके रखेंगे, उसके बाद इसमें सब फ्लेवर्स ऐड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे ना। और ये मूली का पिकल में हम दूसरा ये वाला जो बाजार में ये सब वो मिक्स पिकल मिलता है, वो आम का पिकल मिलता है, वो भी हम लोग इसमें मिक्स कर सकते हैं, इसका और अच्छा फ्लेवर आएगा इसके साथ मिक्स करेंगे तो। और ये चटनी हम लोग बोतल में डाल के रखेंगे, और इसमें जब अच्छी तरह से सब फ्लेवर सब ऐड हो जाएगा वो मूली में, तब हम लोग खाएंगे रेडी होके, वो टाइम में आप लोग को दिखाएंगे टेस्ट करके कि वो चटनी कैसा बना है। तो गाइज, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था, कि उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया। हमने हमारे नेपाली स्टाइल में मूली का अचार हम लोग कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, हम लोगों ने आपके साथ वो शेयर किया। कैसा लगा हमारा मूली का अचार का रेसिपी, कमेंट में बता देना। आशु का नया प्याजी बनाएको, भैलिनी खेलेको, डान्स गरेको सबै भिडियोहरु अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर।